हेलो दोस्तों, मैं लीज़ा। मैं फिर से आ गई आप लोगों के सामने एक गार्डनिंग वीडियो लेकर। देखिए, मेरे हाथ में है एक पौधा। ये एक संध्या मालती का पौधा है जो कि दिया है मेरे पड़ोसी ने। भाभी जी ने बोला, भाभी जी आप ये पौधा तो ले लो, लेकिन ये जो प्लांटर है, ये जो पॉट है, वो मैं आपको नहीं दे सकती। हमारे पास पौधा अक्सर ज़्यादा हो जाते हैं तो हम सबको दे देते हैं, कटिंग वगैरह सबको दे देते हैं, लेकिन जो पॉट हैं वो कम होते हैं। वो तो हम एक डब्बा भी किसी को नहीं देते। आप देते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चलिए इसको लगाते हैं। तो देखिए, मैं इसमें लगाने वाली हूँ। नीचे मैंने होल्स बना रखा है और थोड़ा सा मैंने कलर किया हुआ है। ये मेरा एक तेल का पीपा है और ये जो दिए के टुकड़े, ये मैं सब इसमें डाल देती हूँ पहले। और मिट्टी में मैंने वर्मी कंपोस्ट, मिट्टी और बजरी मिला लिया है। वर्मी कंपोस्ट बहुत ही कम मिलाया है, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरी जो मिट्टी होती है वो खाद से भरी हुई होती है, क्योंकि किचन वेस्ट मिला के मैं छोड़ देती हूँ, फिर उस मिट्टी को मैं यूज़ करती हूँ। तो चलिए इसको भर लेती हूँ मिट्टियों को। संध्या मालती का जो एक भी पौधा आप लगाएंगे ना, तो पूरा गार्डन आपका भर जाएगा। मंदिर से लेकर आई थी मैं, जो जिन्होंने मुझे दिया है ये पौधा, तो भाभी जी मंदिर से लेकर आई है। तो इसको इस प्रकार से हम दबाएंगे। दबा के हम इसको उल्टा करके, ऐसे करके टैप टैप करके मैं निकाल लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। बहुत कोशिश की है मैंने कि पूरा मिट्टी निकल आए, लेकिन नहीं निकला, क्योंकि भाभी जी जो है बहुत ज़्यादा वो पौधे लगाती तो है, लेकिन उस हिसाब से उनको नहीं आता है लगाना। अगर मिट्टी ये अच्छी होती तो ये जो पौधा है ये टैप टैप करने से निकल आता। इसमें क्या है, नीचे ऐसे थोड़ा सा अगर मैं टैप टैप करती, थोड़ा घुमाती, निकल आता, लेकिन नहीं निकला। लेकिन मिट्टी समेत मैंने निकाल लिया है थोड़ा। तो चलिए अब इसको लगा देते हैं। ये मिट्टी भी मैं इसमें डाल देती हूँ और इसको मैं यहाँ पर लगाऊँगी। और मैं ना थोड़ा सा पौधा हमेशा साइड में लगाती हूँ, बीच में नहीं लगाती हूँ। आप लोग देखते होंगे मेरे जितने भी पौधे हैं सब है ना साइड में होते हैं। साइड में होने से क्या होता है, मैं जैसे किचन वेस्ट वगैरह होता है, केले के छिलके, प्याज के छिलके, जब मैं दबाती हूँ ना, तो मुझे थोड़ा जगह मिल जाता है बिल्कुल पौधे के सामने, रूट्स को डैमेज नहीं हो। इसलिए थोड़ा सा बीच में नहीं लगाती हूँ, साइड में लगाती हूँ, ताकि केले के छिलके वगैरह मैं इस तरफ दिखा देती हूँ, इस तरफ मैं लगा पाऊँ। इसलिए मैं थोड़ा सा इधर लगाती हूँ, और इधर भी मैं बाद में ना, इसलिए होल्स बनाए हैं इधर ना, मैं पॉटू लगा के लगाऊंगी बाद में। उसमें क्या होगा, फूल है ना, जब खिलेंगे तो दो फूल एक साथ जब खिलेगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अब मैं सारा मिट्टी ही इसमें मैं डाल दूंगी, डाल के अच्छे से दबा दूंगी। तो देखिए, इसको मैंने अच्छे से दबा दिया है, और मैंने लिया है कुछ पॉटू लगा के कटिंग्स, जो कि मैं इन छेदों में से, ये जो छेद कर रखे हैं मैंने, होल्स बना रखे हैं, यहाँ से लगा दूंगी। तो देखिए, मैंने पॉटू लगा के भी इधर लगा दिए हैं। जब फूल खिलेगा ना तो बहुत ही सुंदर दिखेगा। देखिए, ये भी एक रीयूज हो गया मेरा, जो तेल का पीपा था, इसमें भी मैंने पौधा लगा दिया है। अब मैं रख दूंगी इसको इसके जगह पर, और फिर मैं पानी डाल दूंगी इसको ना, जगह पर रख के फिर अगर पानी डालेंगे तो क्या होगा, दोबारा इसका जो रूट है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, हिलेगा नहीं पौधा। एक बार पानी डालने के बाद हमारा जो पौधा है वो सेट होने लगता है। इसलिए ना, हम अपने जो पौधा है उसको अपनी जगह पर रख के फिर अगर पानी डालते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अब मैं दे रही हूँ जिनका ये पॉट है उनको वापिस, यहाँ पर रख देती हूँ, भाभी जी जब आएगी तो ले लेगी। और देखिए, गार्डनिंग करना इतना आसान भी नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है। आप लोग कबार से जुगाड़ कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी तेल के पीपे में लगाए हैं, और छोटे छोटे कंटेनर्स भी में भी आप पौधे लगा सकते हैं। देखिए, ये मैंने लगा रखे हैं जो मिठाई के डब्बे होते हैं उन पर। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? और हाँ, मैं बताना भूल गई कि ये जो पौधा है इसमें पिंक कलर के संध्या मालती के फूल आएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। बाय बाय।